Hey, hello friends, how are you? I hope all of you are doing good. I am here with you with another lecture of the English literature. So let me tell you one thing कि हमारा ये जो lecture है ये भी दो हिस्सों पर जो है ना वो मुश्तमिल होगा. इस lecture के पहले हिस्से में हम neoclassical age को discuss करेंगे, कहाँ से start होती है और कहाँ पर इसका end होता है. मज़ीद जो neoclassical age को आगे sub divide किया गया है उन periods को discuss करेंगे. we are also going to discuss about the major writers and the major works of the 18th century. अलेक्जेंडर पोप एक बहुत बड़े राइटर हैं 18th सेंचुरी के. उनकी बायोग्राफी और उनके मेजर वर्क्स को हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा द रेप ऑफ द लॉक, वन ऑफ द ग्रेट सेटिरिकल पोएम रिटन बाय द अलेक्जेंडर पोप, जो कि जो है ना वो एक व्हाट इज कॉल्ड द रियल इवेंट के गिर्द जो है ना वो रिवॉल्व कर रही है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसकी समरी को डिस्कस करेंगे. एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर वी आल्सो डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द रेप ऑफ द लॉक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. उन हम क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट पर जो है ना हम जो है ना इस पूरे अपने लेक्चर को कंक्लूड करेंगे. सो अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस. लेकिन अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस पर मौजूद जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर लें और इसमें मौजूद जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें. सो इन द फर्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू क्लासिकल एज. रेनेसांस का जो पीरियड एंड होता है तो उधर से आप कह सकते हो कि जो एज ऑफ रीजन और न्यू क्लासिकल एज का जो है ना वो स्टार्टिंग पॉइंट है. 60 स्टार्टिंग पॉइंट है जी न्यू क्लासिकल एज का. इट्स एंड्स इन 1785. इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड और रेस्टोरेशन का पीरियड जो है ना वो 60 से लेकर 1700 तक है. बिटवीन दिस पीरियड इन 1688 अलेक्जेंडर पोप वॉज बोर्न. इसके अलावा एक और जो है ना इसमें सब डिवीजन की गई ऑगस्टन एज की. ऑगस्टन एज की जो टाइम ड्यूरेशन है वो कहते हैं कि 1700 से 1745 तक है. इसके अलावा जो है ना वो एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो लास्ट इसका सब डिवीजन की गई है 1745 से लेकर 1785 तक है. कमिंग टू द प्रोमिनेंट राइटर्स ऑफ द न्यू क्लासिकल एज, सो अलेक्जेंडर पोप सबसे प्रोमिनेंट हैं जी इस एज में. ही वॉज बोर्न इन 1688 एंड डाइड इन 1744. द रेप ऑफ द लॉक उनका बहुत बड़ा जो है ना वो मेजर वर्क है. इसके अलावा जोनाथन स्विफ्ट जिन्होंने गलीवर्स ट्रेवल जो है ना वो लिखी थी. जोनाथन स्विफ्ट वॉज ऑल्सो बोर्न इन 1667 ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड डाइड इन 1745. ड्रेडन एक और जो है ना इस पीरियड के राइटर हैं. विलियम ब्लेक इस पीरियड के राइटर हैं. बट अलेक्जेंडर पोप इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट पोएट ऑफ दिस इरा. कमिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ अलेक्जेंडर पोप. अलेक्जेंडर पोप इज अ प्रोमिनेंट फिगर इन द 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर एंड ही वॉज बोर्न ऑन द 21st ऑफ द मई 1688 एंड डाइड ऑन 30th ऑफ द मई 1744. ही वॉज बोर्न इन लंदन एंड बोथ ऑफ हिज पेरेंट वॉज कैथोलिक्स इन अ सेक्ट इन द क्रिस्टियन सोसाइटी. Alexander Pope became the poet for his professional life and he studied many languages like the French, Italian and English. Also he was aware of the Latin language as well. And from the age of 12 he suffered from the numerous diseases. Mukhtalif kism ki bimariyan unko jo hai na start si unke childhood mein jo hai na wo लग गई थी, जिसकी वजह से उनको जो है ना वो हाइट का काफ़ी इशू था. उनकी जो रीढ़ की हड्डी का इशू था, इस वजह से उनकी जो हाइट वो आखिर पर 4 फुट और 6 इंच जो है ना वो उनकी हाइट थी. Very small as far as his height is concerned. इसके अलावा अलेक्जेंडर पोप had never married in whole of his life, but although he had some female friends to whom he wrote some witty letters as well. इसके अलावा अलेक्जेंडर पोप को जो है ना वो रेस्पायरेटरी जो है ना वो प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, हेल्थ इश्यूज थे. लाइक द हाई फेवर्स उनको बहुत ज़्यादा रहता था. इन्फ्लेम्ड आइज को उनको इशू था. एबडोमिनल पेन का उनको इशू हो रहता था. और उनकी जो हाइट आई हैव टोल्ड यू. और कैथोलिक होने की वजह से पोप वाज ऑलरेडी रिमूव्ड फ्रॉम द सोसाइटी एंड आल्सो जो उसकी जो पुअर हेल्थ थी उसकी वजह से उसकी जो पर्सनल ग्रोथ है उस पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो असर पड़ा था. बट नेवर द लेस इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफिकल्टीज एंड ट्रबलसम दैट मिस्टर पोप हैड फेस्ड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड, स्टिल देयर इज अ फैक्ट दैट अलेक्जेंडर पोप इज़ अ थर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली कोटेड राइटर इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस आफ्टर शेक्सपियर एंड टेनिसन.
आप इस चीज से जो है ना वो अलेक्जेंडर पोप का जो लिटररी कद है उसको जो है ना आप मैयर कर सकते हैं. कमिंग टू द समरी ऑफ द रेप ऑफ द लॉक, रेप ऑफ द लॉक वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1712 एंड आफ्टर दैट इट्स कम्प्लीट वर्जन वॉज पब्लिश्ड इन 1714. इट्स एक्चुअल इवेंट द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड जॉन कैरल वॉज वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ अलेक्जेंडर पोप. आल्थो के जो जॉन कैरल है वो उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं अलेक्जेंडर पोप से, लेकिन वो इसका जो है ना वो स्टोरी का जो मशहूर वाक़या वो लॉर्ड रॉबर्ट पेटर ने जब अरबेला की जो है ना बालों को काट दिया था तो दोनों ख़ानदानों के दरमियान एक लंबा जो है ना वो झगड़ा शुरू हो गया था. तो जॉन कैरल ने जो है ना ये बात अलेक्जेंडर पोप को बताई. अलेक्जेंडर पोप ने इनके डिफरेंट करेक्टर्स के नाम को चेंज करके पोएम लिखी. कहते हैं कि ये पोएम अभी जो है ना वो आधी लिखी थी कि दोनों ख़ानदानों के दरमियान झगड़ा जो है ना वो ख़त्म होगा, लेकिन जो पोएम की जो मकबूलियत है उसको देखते हुए अलेक्जेंडर पोप ने इसको कंप्लीट किया. ब्लेंडा इज़ अ मेन करेक्टर जो कि अरबेला फर्मर को रिप्रेजेंट कर रही है, और ब्राउन जो एक करेक्टर है वो रॉब लॉर्ड पीटर को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि जो ब्लेंडा है वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है, वो बहुत ही देर से सोती है और तकरीबन सुबह जो है ना वो दोपहर को उठती है. बल्कि इसका एक पालतू कुत्ता शौक के नाम से जो है ना होता है जो इसको उठाता है. वो बहुत ही जो है ना आरामदेह बिस्तर पर लेटी होती है और बेशुमार जो रूहें होती हैं वो उसकी जो है ना हिफाजत में जो है ना वो उनकी ड्यूटी होती है. उनमें से जो एक रूह होती है वो ब्लेंडा को बताती है पहले कैंटों में, ये जो स्टोरी है इस पांच कैंटों पर मुश्तमिल है, वो उसको बताती है कि आज तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है तो इसलिए बच कर रहना. ताम जो ब्लेंडा है वो उठती है और अपने करीबी जो पड़े हुए इश्किया खत जो है ना वो पढ़ती है, और रात उसको जो है ना वो जो एक किसी रूह ने बताया था उसके बारे में सोचती है, लेकिन वो उसको इग्नोर करती है और सफ़ेद लिबास को ज़ेब तन करती है, नंगे सर होती है, आईने के सामने बैठ कर जो हुसन की देवियाँ होती हैं उनकी पूजा करती है. इसके अलावा उसकी जो है ना एक मुलाजमा बैटी जो कि ब्लेंडा के हुसन से वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है. तो जो बेटी उसकी मुलाजमा होती है वो ब्लेंडा का जो है ना वो मेकअप करती है ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन कहा जाता है कि उसकी जो रूहें होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की वो ही बेसिकली उसका जो है ना वो मेकअप कर रही होती हैं. दूसरे कैंटों में जो है ना ब्लेंडा तैयार होकर दरियाए थॉमस की तरफ निकलती है. वहाँ पर बहुत ही जो है ना खूबसूरत अमीर लोग जो है ना वहाँ पर जमा होते हैं, वो सब लोग ब्लेंडा की तरफ ही देख रहे होते हैं. इसके अलावा ब्लेंडा के सीने पर जो है ना वो एक क्रॉस बहुत ही दिलकशी से जो है ना वो चमक रहा होता है, तो यहूदी जो है ना वो उसको देख कर अकीदत से उसका बोसा जो है ना वो लेना चाहते हैं. लेकिन जो ब्लेंडा होती है वो बहुत ही मगरूर होती है, वो उनकी तरफ इतना ज़्यादा नहीं देखती, बस मुस्कराहटें जो है ना वो बिखेरती रहती है. इसके अलावा जो ब्लेंडा की खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तमाम इसके जो दो बाहर को निकली हुई लिट्टे या बाल होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं, जो हर कोई जो है ना वो उसकी मोहब्बत का असीर उसको कर रहा होता है. एक जो है ना वो मुहिम जो लड़का ब्राउन वो लिट्टे देख कर ना रह सका, वो बाल देख कर ना रह सका, वो चाहता है कि किसी तरह वो जो बाल हैं ब्लेंडा के वो जो है ना वो उससे हासिल कर ले. इसी तरह वो उसके साथ जो है ना वो सवार हो जाते हैं कश्ती में. वो एक दरिया के किनारे पर पहुंचते हैं, बड़ी इमारत होती है उसमें जो है ना वो पहुंचते हैं. वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता है, अमीर लड़के होते हैं लड़कियाँ होती हैं, डांस करते हैं, गाने वगैरह गाए जाते हैं. तमाम वहाँ पर जो है ना वो ताश के खेल जो है ना वो खेले जाते हैं. तीन ग्रुप जो है ना वो बना दिए जाते हैं, हर ग्रुप में 9 अफराद होते हैं. आखिरकार जो है ना वो ब्लेंडा वो ताश का खेल जो है ना वो जीत जाती है, क्योंकि ब्लेंडा बहुत ही खूब खेलती है. ताश के जो खेल ख़त्म होता है तो फिर एक पार्टी होती है, टी पार्टी, जिसमें ब्राउन अपनी पूरी तरफ से कोशिश करता है कि जो है ना वो किसी तरह से सीजर से या कैंची से जो है ना वो उसके जो बाल हैं उसको काट ले, लेकिन वो पहले नाकाम होते हैं. आखिरकार जो ब्राउन अपनी उस कोशिश में कामयाब हो जाता है. बाल कट जाने के बाद जो ब्लेंडा होते हैं बहुत ही शदीद परेशानी के आलम में चली जाती है, उसके चेहरे पर मायूसी नाराज़गी और गुस्से की जो है ना कैफियत होती है, और ब्लेंडा की जो हिफाजत पर मामूर रूहें होती हैं वो भी जो है ना वो रोने लगती हैं. तो दूसरी तरफ जो ब्राउन होता है वो काफ़ी फ़खर से वो बाल लिए फिरता है, उसको लहरा रहा होता है हवा में कि ये खूबसूरत इनाम है, खूबसूरत तोहफा है. उनके दरमियान एक झगड़ा जो है ना वो शुरू हो जाता है. तमाम ब्लेंडा अपनी तरफ से सोचती है कि यहाँ पर ऐसे वाक़यात जो है ना वो होते रहते हैं, कोई वो अकेली लड़की नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ है.
अब तो जो है ना जो ब्लेंडर का तोता होता है और उसका जो कुत्ता होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं ब्लेंडर को देखकर। इन्हीं से एक औरत जो है ना वो बोलती है कि औरतें जो होती हैं वो अपने आप को क्यों इतनी ज़्यादा जो है ना वो डेकोरेट करती हैं कि कोई भी जो इनकी खूबसूरती है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा सके। अगर आपने जो है ना अपने आप को सजाना ही है तो अपने अखलाक को सजाएं, मगर कोई जो है ना उसकी तकरीर पर कान जो है ना वो नहीं धरता, बल्कि जो ब्लेंडर होती है वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि उठो और हमला करो। फिर वो खुद बहुत ही तेज़ी से उठती है और लड़ाई शुरू कर देती है। फिर पंखों रेशमी कपड़ों के टकराने की जो है ना वो आवाज़ें आती हैं। इसी तरह वहाँ पर जो है ना क्लैरिसा एक पार्टी में होती है, उसको नीचे गिरा दिया जाता है। आखिरकार जो ब्लेंडा होती है उसने ब्राउन का जो है ना वो बुरा हाल कर दिया होता है। फिर ब्लेंडर ने अपने सर से एक पिन को उतारा और उसको उसके जिस्म में जो है ना वो चबो दी थी। इस तरह जो ब्लेंडर है वो मुकम्मल तौर पर ब्राउन के ऊपर हावी होती है और जो है ना वो उससे कहती है कि मेरे जो बाल हैं वो उसको वापस कर दे, लेकिन जो है ना लड़ाई के दौरान जो बाल होते हैं वो पहले ही कहीं गुम हो चुके होते हैं। शायर के मुताबिक वो जो है ना बाल वो आसमान पर जो है ना वो चले गए हैं। जो स्टोरी है इसको वो एंड करता है। इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है ना एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अलेक्जेंडर पोप पर जो है ना वो पूछ सकता है इस स्टोरी की। 18th सेंचुरी के वो वुमेन्स एटीट्यूड है, उनका जो बिहेवियर है उस पर पूछ सकते हैं। सेटरिकल क्वेश्चंस भी कहा जा सकते हैं। तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू। टिल देन बाय।